So, hey guys, what's up? This is Marvel Dude and I'm back with another video. तो यार मार्वल स्टूडियोज का फेस 4 जो है वो अप्रैल 2020 से स्टार्ट होने वाला था, जहां इसकी पहली मूवी ब्लैक विडो होने वाली थी। बट कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद ये चीज पोस्टपोन्ड हो गई और हमें अब फेस 4 2021 में 15 जनवरी से स्टार्ट होता दिखेगा, जहां पे इसमें सबसे पहली सीरीज जो आएगी वो होगी वांडा विजन और इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज होगा 15 जनवरी को। मार्वल स्टूडियोज ने अपने फेस 4 को पिछले साल सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ही अनाउंस कर दिया था और हाल ही में कुछ डिज्नी इवेंट्स में उसने अपने फेस 4 की और भी ज्यादा मूवीज और डिज्नी पर सीरीज के ट्रेलर और टीजर को रिलीज किया है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद तो ये तो कंफर्म है कि मार्वल स्टूडियोज का फेस 4 और फेस 5 काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, यानी कि हमारी द इन्फिनिटी सागा से भी पढ़ के। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मल्टीवर्स के बारे में, कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मल्टीवर्स कैसा होगा, कैसी रहेगी इसकी स्टोरी लाइन और कौन कौन सी मूवीज इस चीज को रिलेट करेंगी और इस चीज से कनेक्टेड होंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर जितने भी कैलकुलेशंस और थियरीज बताई गई हैं ये मेरी पर्सनल थियरीज है, तो इन्हें दिल पे मत लेना। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो मल्टीवर्स का प्लॉट है वो स्टार्ट होने वाला है वांडा विजन से, जो कि 15 जनवरी को रिलीज होने वाली है। तो ये वांडा विजन की जो वेब सीरीज है या फिर आप कह सकते हैं डिज्नी प्लस सीरीज, ये बेस्ड है हमारे कॉमिक के हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन के अंदर। और जिन्होंने ये कॉमिक बुक नहीं पढ़ी है तो एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ इस स्टोरी लाइन का। तो इस स्टोरी लाइन के अंदर ये होता है कि वांडा जो है अपने रियलिटी मैनिपुलेशन पावर से एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करती है जहाँ वो मन चाहे चीज़ें बना सकती है और वो विजन को वापस से जिंदा कर देती है। तो ऐसा ही कुछ होगा हमारे वांडा विजन के वेब सीरीज में, जो कि हमें ट्रेलर और टीजर में भी दिखाया गया ऐसा ही कुछ होते हुए। और एट लास्ट जब सीरीज खत्म होने वाली होगी तब वांडा क्या करेगी, अपनी रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर से वो दोनों रियलिटी को एक कर देगी, यानी कि अल्टरनेट रियलिटी और जो ओरिजिनल टाइमलाइन है इन दोनों को वो एक कर देगी, जिससे कई सारे मल्टीवर्स के डोर खुल जाएंगी। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होगा स्पीड और विकन का, मतलब वांडा विजन के जो बेबीज होते हैं उनका नाम होता है स्पीड और विकन, और कॉमिक बुक के अंदर ये दोनों मेफिस्टो के बॉडी पार्ट से बनाए गए थे। तो आप समझ सकते हो मेफिस्टो किसी और टाइमलाइन का है, और जब मेफिस्टो की बॉडी पार्ट से बने हुए स्पीड और वीकेंड ओरिजिनल टाइमलाइन से आएंगे वांडा की अल्टरनेट टाइमलाइन से, तब जो हमारा मेफिस्टो है वो भी अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एंटर हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मल्टीवर्स का प्लॉट। ये मल्टीवर्स का मामला और भी ज़्यादा बड़ा होगा और इसे और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा लोकी की डिज्नी प्लस सीरीज के अंदर, और उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा मार्वल स्टूडियोज के लिए इसे दिखाना, क्योंकि जितनी ज़्यादा अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट होंगी उतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हम फैंस को मल्टीवर्स का प्लॉट लगेगा। आई होप सो कि मार्वल स्टूडियोज वाले इसका कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकाल लें और हमें एक अच्छा मल्टीवर्स का प्लॉट देखने को मिले मार्वल स्टूडियोज के अंदर। तो फिलहाल बात करें लोकी की डिज्नी प्लस सीरीज की, तो लोकी ने स्टार्टिंग में ही, यानी कि लोकी ने अपने डिज्नी प्लस शो के स्टार्टिंग में ही एक अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर दी है। अगर आपको ये बात नहीं पता चली तो फिर आप इस बात को नहीं समझ पाए, तो मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। 2023 वाले एवेंजर्स जब 2012 में जाते हैं टाइम ट्रैवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स को लेने, तो वो 2012 की एक अल्टरनेट टाइमलाइन होती है और उस अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर से लोकी जो है वो फरार हो जाता है टेसरैक्ट को लेके, मतलब एक अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर एक और अल्टरनेट टाइमलाइन। ये घुमावदार ट्विस्ट है, इसलिए तो कहा जाता है कि मल्टीवर्स का प्लॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। यही नहीं, जो टीज़र आया है हमारा लोकी का उसके अंदर हमें ये भी दिखाया गया है कि उसमें एक से ज़्यादा लोकी है, मतलब एक से ज़्यादा लोकी मतलब और ज़्यादा टाइमलाइंस और ज़्यादा अल्टरनेट टाइमलाइंस। जितने ज़्यादा लोकी हमें टीज़र या फिर शो के अंदर दिखाए जाएंगे उतनी ज़्यादा अल्टरनेट टाइमलाइंस हमें देखने को मिलेगी पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। और आगे टीज़र में हमें जाके ये भी दिखाया गया है कि टीवीए का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है लोकी के शो के अंदर, जहाँ वो मेफिस्टो को यानी कि डेविल गॉड की पूजा करते हैं। और ये भी दिखाया गया है टीज़र के अंदर कि लोकी जो है वो टीम अप करता है टीवीए के मेंबर के साथ में धोखा दे देता है, क्योंकि उसकी फितरत में ही है, उसे गॉड ऑफ मिस्चेफ ऐसा ही थोड़ी कहते हैं। लोकी के डिज्नी प्लस के विलन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट एक चीज़ कन्फर्म है कि लोकी के डिज्नी प्लस शो के बाद मल्टीवर्स का जो टॉपिक है वो और भी ज़्यादा ट्विस्टेड हो जाएगा और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा हम फैंस के लिए। सो अब आती है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो कि हमें नियरली फेज 4 के एंडिंग तक देखने को मिल जाएगी। और जैसे कि इन्फिनिटी सागा का कंक्लूजन निकल के आता है इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के रूप में, वैसे ही हमें मल्टीवर्स के टॉपिक का एक कंक्लूजन देखने को मिलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के रूप में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें जो वांडा विजन और लोकी का डिज्नी प्लस शो है
इसमें भर भर के कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, जहाँ हर एक टाइमलाइन में, हर एक अल्टरनेट टाइमलाइन में, जहाँ जितनी बार टाइम ट्रैवल होगा, जितनी ज़्यादा अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट होंगी, उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलेगा इन दोनों सीरीज के अंदर। और वही ये सारी चीज़ें सॉल्व होंगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, जहाँ लोकी के द्वारा क्रिएट की गई हर एक अल्टरनेट टाइमलाइन सॉल्व की जाएगी डॉक्टर स्ट्रेंज के द्वारा। वहीं वांडा ने जो मेफिस्टो को एंट्री दिलाई है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, वो चीज़ भी सॉल्व करेंगे हमारे प्यारे डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि सॉर्सरर सुप्रीम। और इन सबसे बड़ी बात, जो व्हाट इफ का शो आएगा डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर, वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें भी मल्टीवर्स रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। क्योंकि हमें टीजर में ये दिखाया गया डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेज डॉक्टर स्ट्रेंज की एक छोटी सी क्लिप, जो कि व्हाट इफ के टीजर में इंक्लूडेड थी। तो हो सकता है कि व्हाट इफ का जो एपिसोड है डॉक्टर स्ट्रेंज का, वो भी कई सारी आंसर्स दे दे मल्टीवर्स से रिलेटेड। और मैंने स्टार्टिंग में कंक्लूजन बोल दिया डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को, तो ये मत समझ लेना कि इसके बाद एमसीयू का मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। मैं ये बोल रहा था कि इसके बाद आपके मल्टीवर्स रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मल्टीवर्स को एकदम क्लियरली एक्सप्लोर कर दिया जाएगा, जैसे कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक्सप्लोर किया गया था। और फिर हमें हर एक चीज़, हर एक विलेन, हर एक सुपर हीरो देखने को मिल सकते हैं हमारे ओरिजिनल टाइमलाइन अर्थ 616 के अंदर। और फाइनली बात कर लेते हैं अपने स्पाइडरवर्स के बारे में, यानी कि स्पाइडरमैन 3 के अंदर दिखने वाले मल्टीवर्स के बारे में। तो यार ये टॉपिक मैं बीच में भी इंक्लूड कर सकता था, बट मैंने इसे वीडियो के बीच में इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इसकी स्टोरी जो है वो वांडा विजन, लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से ज़्यादा डायरेक्ट लिंक नहीं है। इसकी स्टोरी जो है वो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद से ली जाएगी, और इसके अंदर जो चीज़ होगा ना वो मेन लिंक्ड होगा मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, कि कैसे दूसरे दूसरे यूनिवर्स से लोग अपने ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर आएंगे। बस यही चीज़ है जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2, लोकी और वांडा विजन से ली जाएगी इस स्पाइडरवर्स के अंदर। तो अगर रूमर्स की माने तो हमें बहुत से पुराने कैरेक्टर अपने पुराने रोल में दिखने वाले हैं, जैसे कि एंड्रयू गारफील्ड, जेमी फॉक्स यानी कि अपने इलेक्ट्रो के रोल में, सैंडमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस। टोबे मैगवेर का भी मैं कुछ कह नहीं सकता, बट फिर भी अगर टोबे मैगवेर भी डील साइन करते हैं तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि अलग अलग यूनिवर्स से जो विलन्स है वो ओरिजिनल टाइमलाइन से आएंगे, मतलब जो एंड्रयू गारफील्ड का यूनिवर्स है उससे इलेक्ट्रो आएगा अपनी स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड के टाइमलाइन में, जिसको रोकने के लिए एंड्रयू गारफील्ड टीम अप करेगा और आएगा अपने ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर, मतलब जो टॉम हॉलैंड वाला यूनिवर्स है। और यही सेम चीज़ होगी डॉक्टर ऑक्टोपस सैंडमैन के साथ, जिसके पीछे पीछे आएगा हमारा टोबी मैगवेयर वाला स्पाइडरमैन। ऐसे ही हमें एक स्पाइडरवर्स देखने को मिलेगा जहाँ के 3 स्पाइडरमैन हमें एक साथ टीम अप करते हुए दिखेंगे। और अगर आप मार्वल्स फैंडम को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंटली क्या रूमर चल रहा है, एक बार आप पहले ये वीडियो देख लो। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूमर्स, एमा स्टोन की ग्वेन स्टेसी, डैन डेनहान, हैरी ऑसबॉर्न, क्रिंटन डस्ट की मैरी जेन, विलियम डेफोय का ग्रीन गॉब्लिन, मार्वल्स फैंडम, मूवी जोन, मार्वल 2.0, सुपर सुपर देसी नर्ड, सुशांत सिंह राजपूत और स्टैनली का एक शॉर्ट बट ब्रीफ कैमियो, ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर, पैक मेहता का उल्टा चश्मा से जेठालाल, क्रिश फोर्स ऋतिक रोशन, फ्लाइंग जेट, रणबीर कपूर आलिया भट्ट का होने वाला बच्चा, पिकाचू, एश केचम, मिर्जापुर के हवासी चच्चा, और जिस लड़की को आप ट्यूशन पे फॉलो करते हो वो, ये सारे के सारे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। आपको पता चल ही गया होगा कि रिसेंटली कितने लोगों को कास्ट किया गया है स्पाइडरमैन 3 मूवी के अंदर। तो बाकी सबका मुझे नहीं पता, बट मैं अपना पर्सनल बता देता हूँ, मुझे एज एन इंडियन स्पाइडरमैन कास्ट किया गया है स्पाइडरमैन 3 मूवी के अंदर। तो हो सकता है कि मेरी कोई अल्टरनेट टाइमलाइन हो जहाँ से टोनी कक्कर भाग के चला जाए टॉम हॉलैंड वाले यूनिवर्स के अंदर, तो जिसे रोकने के लिए मुझे टीम अप करना पड़े सभी स्पाइडरमैन के साथ। और 2 लोगों की और कास्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मूवी जोन जो है वो हमारे, उनको एज अ बैटमैन कास्ट किया गया है स्पाइडरमैन 3 के लिए, और वहीं जो मार्वल्स फैंडम है उन्हें एज अ वंडर वुमन कास्ट किया गया है स्पाइडरमैन 3 के लिए। वैसे मैं जिस चीज़ को देखना चाहता हूँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अल्टरनेट टाइमलाइंस के थ्रू, वो है ज़ीरन आर्मर, क्योंकि आयरन मैन का ये आर्मर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये सेलेस्टियल तक को मार सकता था। इसे एंटी सेलेस्टियल आर्मर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इसके बारे में आप कुछ डिटेल्स और एक्स्ट्रा जानना चाहते हो और इसकी ओरिजिन जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, तो आप उसे जाके देख सकते हो। तो ये था मेरा फेवरेट थिंग जो कि मैं मल्टीवर्स के थ्रू देखना चाहूँगा। आप अपनी फेवरेट थिंग कमेंट कर देना कि आप क्या देखना चाहोगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मल्टीवर्स के थ्रू। सो गाइस, यही था वीडियो एमसीयू के मल्टीवर्स से रिलेटेड। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। सो टिल देन गुड बाय, जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।